बाबू जा रहे अपने नाना जी से मिलने, चलो चलो चलो। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम विद पूजा। सो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हूँ। अभी अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं। यस सो आज मेरे पापा आ रहे हैं। मैं अपने पापा से आई थिंक 1.5 साल पे मिल रही हूँ। सो मेरे पापा फर्स्ट टाइम मेरे ससुराल आ रहे हैं। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 2.5 साल से ऊपर हो गया है और मेरे पापा फर्स्ट टाइम मेरे ससुराल आ रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि 2.5 साल हो गए और पापा क्यों नहीं आए। तो एक्चुअली मैं यहाँ रहती नहीं हूँ इसलिए पापा नहीं आ पाए थे, और अभी मैं रह रही हूँ, फिर मैं आई हूँ तो इसलिए पापा थोड़ा सा समय निकाल के आए हैं। और मैं मायके नहीं जा रही, दैट्स वाई भी पापा इसलिए आए हैं। और फर्स्ट टाइम बाबू से मिलेंगे, अंश अपने नाना जी को मिलेगा। तो व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे काम है, पंखा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, ऑटोमेटिक हो चुका है, और अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। और यहाँ पर 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश का कुछ नहीं कर सकते। जा रही हूँ मैं काम करने, पूरा दिन खाना बनाना है, खाना है, खिलाना है। जा रहे अपने नाना जी से मिलने, चलो चलो चाय। दादी चल नाना जी से मिलने, नाना जी से मिलने चले बाबू। चले चले पापा, आप कुछ दीजिए, बाल तो ठीक कर लीजिए पापा, बाल तो ठीक कर लीजिए। अभी मैं चले कुछ दीजिए, पैसा अरे कुछ नहीं बाबू रे। अच्छे जी शंकर जी, हाँ जंग बोले जल्दी है, नाना जी के साथ खूब सारा खेला। नाना जी ने मुंह दिखाई में 500 रुपए दे दिए बेटू जी को। अभी मैं जा रही हूँ नॉनवेज बनाऊंगी, बहुत काम है बस। वे चल रहे हैं, सोना का केक कटने वाला है और आज है सोना का बर्थडे, तो जा रहे हैं केक कटवा के आते हैं। सुबह हो गई है, पूरा घर फैला हुआ है, इतना थक जाती हूँ कि मेरे से मेकअप तो नहीं निकाला जाता है, नॉर्मली लिपस्टिक और वो सब ऐसे छोड़ के सो गई थी मैं, नहीं सोना चाहिए। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ओस गिरा है, इतना ज़्यादा ओस गिरा है कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो आज का दिन है और पापा आज चले जाएंगे। यस पापा सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे और चले जाएंगे। मैं बस टाइम ही रहता है कि मैं व्लॉगिंग करूँ, तो खाना बनाना देना उसी में समय बीत जाता है। पापा चले जाएंगे, पापा सिर्फ 1 दिन के लिए आए थे तो उनकी रात में 10:30 बजे की ट्रेन है। अभी मॉर्निंग हो चुकी है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने और आपको भी दिखाऊंगी, ट्राई करूंगी।
इतनी ओस गिरी हुई है, बाप रे। तो चलिए चलते हैं खाना बनाने, पूरा घर ठीक करना है मुझे। बाबू अभी सो रहा है, सो लेट्स गो। पापा ने खाना खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने और मैं आपको दिखाती हूँ अच्छा खाना। आलू गोभी की सब्जी, खीर, पूड़ी। तो अभी हो गई है शाम और मैंने सब्जी बना दी है। रोटी बनाना है जो मम्मी बना रही, क्योंकि बाबू रहता ही नहीं है। शाम में या तो मैं पकड़ूंगी या तो हस्बैंड पकड़ेंगे, तो ही बाबू रहता है, किसी के पास नहीं रहता है वो। तो अब पापा का जाने का टाइम हो गया है और अच्छा नहीं लग रहा। 1.5 साल में मैं पापा से मिली थी और पापा की 10:30 बजे की ट्रेन है, तो पापा बस खाएंगे और खा के जाएंगे। और जल्दी हो सकेगा तो मैं जाऊँगी। और यस, मैं अपने मायके नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी वो मैं पापा के जाने के बाद आपको बताऊंगी। सो व्लॉग पे बने रहिएगा। तो यहीं पे है थाली। जा रहे नाना जी नाना जी चले। ओ गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और पापा रात में चले गए, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उसे कंटिन्यू करूं। तो मैं बहुत ज़्यादा ही सैड थी, इसलिए मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया। और मैं मायके इसलिए नहीं गई क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, एक अच्छा दिन देखा जाता है। और अच्छा दिन देख के ये, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिन दिखाया जाता है और अगर वो दिन नहीं बनता है तो नहीं जाते हैं। तो दिन नहीं बना, इसी कारण पापा मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो दिन हमने दिखाया है और जब बनेगा तो मैं अपने मायके ज़रूर जाऊंगी। एक शुभ दिन होता है पहली बार जो नाती होता है उसे अपने नाना नानी से मिलने के लिए। सो इसी के लिए पापा आए थे मुझसे मिलने के लिए और हम जाने भी वाले हैं। तो यस, कल हमारी ट्रेन है, कल हमारी ट्रेन है तो हम लोग कल चले जाएंगे। और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम पेंडिंग हैं जो हमें उधर जाके करने हैं। तो मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आपको अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो करिएगा लाइक और चैनल करिएगा सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड